ऑस्ट्रेलियाई टीम के पूर्व महान स्पिनर शेन वॉर्न की मौत कैसे हुई, इसका खुलासा हो गया है। थाईलैंड पुलिस ने ऑटोप्सी के माध्यम से बताया कि उनकी मौत प्राकृतिक कारणों से हुई है। शेन वॉर्न की मौत शुक्रवार को थाईलैंड के एक निजी विला में हुई थी। उनके दोस्तों ने उनकी जान बचाने की कोशिश की थी, लेकिन सफलता नहीं मिली थी। शेन वॉर्न का निधन संदिग्ध हार्ट अटैक के कारण हुआ था। अब ऑटोप्सी रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो थाईलैंड के को समुई के समुजाना विला में शेन वॉर्न छुट्टियां बिताने आए थे। उनके दोस्त भी उनके साथ थे। वहीं जब डिनर के लिए वॉर्न को बुलाया गया तो उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी। ऐसे में दोस्तों ने उनको CPR देने की कोशिश की। 20 मिनट तक दोस्तों ने उनकी जान बचाने की कोशिश की और एम्बुलेंस को फोन किया, हालांकि वे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। डॉक्टरों ने भी शेन वॉर्न की जान बचाने की कोशिश की थी, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली थी। उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। वे 52 साल के थे और अपने परिवार से दूर रह रहे थे। शेन वॉर्न ने टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए 708 विकेट चटकाए थे, जबकि वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्होंने 293 विकेट अपने नाम किए थे। शेन वॉर्न ऑस्ट्रेलिया के महान खिलाड़ियों में से एक थे। उनके निधन पर पूरे क्रिकेट जगत ने शोक जताया।